नमस्कार, मेरा नाम सुसन नायका है और आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो आपके मन में बुरे विचार आते हैं वो किस वजह से आता है और कैसे आता है, और अगर ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बुरे विचार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ये ऐसा विचार है जिसे इंग्लिश में नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, और ये विचार हो सकता है कि वो आपके खुद के प्रति हो या फिर किसी और के प्रति, क्योंकि हम खुद के प्रति भी कई बार बुरे विचार लाते हैं खुद के लिए कि हम खुद के साथ गलत करें, जैसे खुद को मारने का, आत्महत्या का जो ये विचार होता है ये भी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए ही है। ये भी एक तरह का बुरा विचार है जिससे आपको बचना है, क्योंकि जो इंसान आत्महत्या के बारे में सोचता है कि खुद के ही शरीर को मार दे, वो इंसान के मन में शैतान ही। ये विचार सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो भी विचार आपके मन में आता है, जो बुरे विचार, हर तरह का नहीं क्योंकि कुछ विचार परमेश्वर की ओर से होते हैं, तो इसलिए जो विचार बुरे होते हैं वो शैतान की तरफ से ही होता है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के कामों को करें, इसलिए वो रुकावट डालने के लिए ऐसे विचार आपके मन में डालता है। और आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अनमोल है, बहुत कीमती है उनकी दृष्टि में, लेकिन शैतान आपको ऐसा महसूस कराएगा कि नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते और कुछ भी नहीं है, आपको जीना या मरना उसका कोई किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी इंसान को फर्क पड़े या नहीं पड़े, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं, परमेश्वर को आपकी चिंता है। इसलिए आपको खुद को ख़त्म नहीं करना है। ऐसे विचार जो आते हैं मन में वो हमें नरक की ओर ले जाते हैं, क्योंकि बुरे विचार, चाहे वो दूसरे के प्रति हो, जैसे आप सोचेंगे इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसका मैं अब हत्या कर दूंगा क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, या फिर आप व्यभिचार के विचार अपने मन में लाए क्योंकि ये भी एक तरह का बुरा विचार ही है, तो ये सारे विचार आपको पाप की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं वैसे ही फिर आप करते हैं, और जब आप जैसा सोच रहे वैसा करेंगे तो आप जो कुछ कर रहे हैं आपके कामों के द्वारा ही तो न्याय होगा। वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा न्याय हमारे चाल चलन के अनुसार करेंगे, और अगर आपका चाल चलन ही गलत है क्योंकि आपके विचार गलत है तो उसके अनुसार आप कहाँ जाएंगे, नरक में, क्योंकि लिखा है पाप की दंड मृत्यु है, और इसीलिए आपको पाप से बचना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप करना छोड़ दें और सही रास्ते पर चले, जिस रास्ते पर वो आपको लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, वो आपसे नफरत नहीं करते हैं। आपके अंदर जो शैतान ने गंदगी भर दिया है, पाप है, व्यभिचार है, बुरी आदतें, उससे आपको परमेश्वर बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका मन जब शुद्ध होगा, आपका मन जब साफ होगा तब आपका चाल चलन भी सही रहेगा। अब हम वचन के अनुसार जानेंगे कि बुरे विचार के बारे में परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हमें वचन के अनुसार जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये तो मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, लेकिन हर कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। तो जब हम वचन से पढ़ते हैं नीति वचन 15 अध्याय का 26 में, तो उसमें लिखा है बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है। अब आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो फिर परमेश्वर तो वचन में यही कह रहे हैं कि ऐसे विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, जो बुरे हैं, तो ऐसी कल्पनाएं, आप किसी को मारने का सोच रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के प्रति जलन रख रहे हैं, ये सारे बुरे ही विचार हैं, तो ऐसे विचार यहोवा को घिनौने लगते हैं, ऐसे विचारों से परमेश्वर घृणा करते हैं। और अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, आप ही ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर फिर आपसे घृणा नहीं करने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो आपको शुद्ध करना चाहते हैं, आपके पापों को आपसे दूर करना चाहते हैं। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम रखते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे पापों को उदयचल अस्ताचल से जितनी दूर है उतना ही दूर वो कर दे हमारे पापों को, लेकिन हम खुद पापों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो मन में आते रहता है उसे हम आने देते हैं। करना क्या है आज वचन के अनुसार हम जानेंगे। तो उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो इसमें वचन में क्या कह रहे हैं परमेश्वर, ये आदम के बाद की बातें लिखी गई है, मतलब शुरुआत की ही है, क्योंकि उत्पत्ति में बताया गया ये वचन है कि जब आदम के बाद जो वंश आगे चलने लगा, लोगों के बच्चे होने लगे और फिर आगे बढ़ता गया, इस संख्या जब जनसंख्या जब बढ़ते गई, तो परमेश्वर ने यही देखा कि लोगों के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। क्योंकि आप खुद देखकर सोचिए कि अगर दिन में 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में हमारे मन में कितने बार बुरे विचार आते होंगे। अभी अगर अभी आप अगर ठीक हैं,
साफ अच्छा सोच रहे हैं दूसरे के प्रति, लेकिन थोड़ी देर बाद शैतान ऐसा आपके मन में डाल देगा कि आप दूसरे के प्रति गलत सोचने लग जाएंगे, खुद के प्रति आप गलत सोचने लग जाएंगे, क्योंकि वो बुरा विचार ऐसा होता है कि वो खुद के प्रति भी होता है। आपको ये जान लेना चाहिए कि जो ये बुरे विचार है, ये जो सोचना, ये जो मन में होता है बुरे विचार, ये पूरे उत्पत्ति से लेकर ये चलता आ रहा है, क्योंकि जब आदम और हवा ने पाप किया वहीं से पाप की शुरुआत हुई। और तभी आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद से जितने भी बच्चे इस पृथ्वी में पैदा होते हैं वो पापी होते हैं। इसलिए कोई भी इंसान धर्मी नहीं है, और कोई कह भी नहीं सकता कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप हर किसी से होता है, लेकिन यीशु मसीह खुद इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा इसलिए कि वो जब इस पृथ्वी पर थे तो आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपका चाल चलन भी उनकी तरह होना है, आपका स्वभाव यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। वो इस पृथ्वी पर रहे, उन्हें जब कोड़े मारे गए, उनको जब बहुत कष्ट दिया गया, तो भी वो चुप रह करके उन दुख को सह लिए। वो भी हम इंसानों की तरह मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आए थे, तो उनके अंदर भी जो अभिलाषाएं होंगी, संसारिक शारीरिक बहुत सी होंगी, लेकिन उन्होंने वो सब को दूर हटाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो इस पृथ्वी पर किस लिए भेजे गए हैं। वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए भेजे गए हैं। और आपको भी परमेश्वर ने क्यों बनाया? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कि जो आपके मन में आ रहा है वही आप करें। अगर मन में आता है हम खाना खाने का मन कर रहा है, अच्छा अच्छा, तो फिर आप वैसे ही खाना मंगवा लेते हैं और खाते हैं। बाहर जाने का मन कर रहा है, घूमने का, ये तो मन तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन क्या आपको मन की सुनना है या फिर परमेश्वर के वचन की सुनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? अपनी महिमा कराने के लिए, ताकि आपके हर शरीर के अंगों के द्वारा उनकी महिमा हो सके। तो जब आप यिर्मयाह 17:9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन सब वस्तुओं में से, जैसे इस संसार में जितने भी चीजें बनाई गई है, ये सब तो टेम्प्रेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। एक समय आएगा कि इस पृथ्वी का भी जब अंत आ जाएगा तो ये सब चीजों को जला दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब वस्तुओं में से भी जो ये सारी चीजें धोखा देने वाली है, क्योंकि ये भी हमें लुभाती है, हमें अपनी ओर खींचती है। परमेश्वर वचन में क्या कह रहे हैं, हमें तो वचन के अनुसार सीखना है, और वचन में यही लिखा है कि मन ही है जो सब वस्तुओं में से सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। और आज संसार के लोग क्या कहते हैं, क्या वही करो जो आपका मन कहता है, लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है, साफ लिखा है। अगर आप मन के सुनेंगे तो आप खुद को धोखा देंगे, क्योंकि मन वही बातें कराएगा जो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, जो आपको शरीर में करने में अच्छा लगेगा, आपके शारीरिक रूप से आपके लिए जो अच्छा होगा वो मन कहेगा। 10 में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो आपको जान लेना चाहिए कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे मन के अंदर की बात तो कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि चाहे आप खुद को बाहर से कितना भी लोगों के सामने अच्छा दिखाए कि मैं तो कितना अच्छा लोगों से बात करता हूँ, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, चलिए लोगों की मदद भी आप कर देंगे, सब कुछ अगर आप बाहर से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन ही शुद्ध नहीं है, मन साफ नहीं है, तो वो काम करना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो बाहर से देखे, वो मनुष्य को अंदर से देखते हैं, वो बाहर के रूप को नहीं आपके मन को देखते हैं। परमेश्वर मन को जांचने वाले हैं, जिस तरह से भजन संहिता 139 में लिखा है, उसका दूसरा में दाऊद ने कहा है कि वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। किसको कहा है? परमेश्वर को। इस तरह से अभी आपने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर हृदय को ही जांचते हैं, खोजते हैं, ताकि आपका जो चाल चलन है उसके अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल दे। क्योंकि जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसा आप सोचेंगे, जैसे विचार आपके मन में होंगे, वैसे ही आपका चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, परमेश्वर का वचन आप देख रहे हैं, हर जगह परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जिस तरह से अभी सुन रहे हैं, अच्छी चीजें जब आप करेंगे तो वो चीजें देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपका चाल चलन भी उसके अनुसार हो जाएगा, तो उसके अनुसार फिर परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ इसी के साथ कि हमारा जो विचार मन में आता है उसमें हम कैसे खुद को रोक सकते हैं कि वैसे विचार मन में नहीं है। क्योंकि इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने शरीर का जो सबसे मेन गेट है वो क्या है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जानेंगे। मत्ती 6:22 में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, एक लाइट। शरीर का लाइट क्या है? दिया क्या है? आँख ही है। अगर आपकी आँख गलत चीज़ों को देख रही है,
अगर आप अपने आंखों को गलत चीजों को देखने में लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहीं से शैतान आपके आंखों के द्वारा एंटर करेगा और फिर वैसे विचार आपके मन में आने लगेंगे क्योंकि आपने अपने आंखों से वो देखा, अपने आंखों से वो पाप किया। इसलिए आपको अपने आंखों को गलत चीजों को देखने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे ही नहीं तो फिर वो विचार आपके मन में आएगा कैसे। तो सबसे जो मेन गेट है वही लिखा है कि शरीर का दिया क्या है, आंख है। और इसी के साथ मती 5:28 में जिस तरह लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर क्या बोला गया है, जरूरी नहीं है कि जो आप पाप करते हैं वो शारीरिक होगा तभी वो पाप कहलाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर साफ बता दिया गया है कि कुदृष्टि अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर डालते हैं, कुदृष्टि का मतलब ही है गलत नजर से देखना, तो आप जब गलत नजर से देख ही रहे हैं तो इसका मतलब आपने मन में व्यभिचार कर लिया है। और बात यहाँ पर क्या आई, मन का बात यहाँ पर आया। इसीलिए कहा गया है कि जब आप अपने आंखों को गलत चीजों को देखने से रोकेंगे तभी आपके मन में बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, उदाहरण में मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे ज्यादा लोग आंख से पाप कैसे करते हैं, अपने मोबाइल फोन से, फोन के द्वारा ही सबसे ज्यादा आंख से पाप होता है। क्यों? क्योंकि हम फोन चलाते रहेंगे, रील्स देखेंगे, शॉर्ट वीडियोस देखेंगे और फिर क्या होगा, कुछ भी ऐसा गलत वीडियो आएगा, फिर हम वो अगर देख लेंगे तो चाहे हमने पाप अनजाने में किया, चाहे आपने अनजाने में देखा, चाहे जानबूझकर देखा, आपने उस चीज को देख तो लिया। तो जब देख लिया तो वो विचार फिर आप सोचेंगे कि नहीं मैंने तो देख लिया, आप कुछ नहीं होगा इससे, पर उससे बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव आपके शरीर में पड़ेगा। और इससे यही होगा कि शैतान तो आपके मन की बात को नहीं जानेगा कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब आप उस चीज को करेंगे तो शैतान को पता चल जाता है कि ये अंदर से ये सोच रहा है। और जब आपने देखा वो गलत वीडियो या फिर कुछ भी ऐसा गलत देखा आसपास किसी को भी गलत तरीके से, तो फिर शैतान ने देख लिया कि इसने ये चीज देखा है, अब इसके मन में ये विचार मैं डाल सकता हूँ। और फिर जब शैतान क्या करेगा, आपके मन में वो विचार डालेगा, शैतान मन में ही जंगली बीज डाल देता है और वो बीज बड़ा होता है। फिर उसका जब बीज को आप काटेंगे नहीं तो वो बड़ा ही हो जाएगा, और जब बीज बड़ा हो जाएगा तो शैतान का अटैक आपके जीवन में होगा और इस वजह से क्या होगा, आप पाप में गिरेंगे, आप पाप में गिरेंगे, क्योंकि विचार आया तो पाप में गिरेंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि आपने गलत देखा तो फिर इसका प्रभाव आपके शरीर में कैसे पड़ सकता है, आपके चाल चलन में, तो इसका भी उत्तर है वचन के अनुसार ही हम देखते हैं। लिखा है जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये वचन क्यों कहा गया, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि जब आप अपने आंखों से कुछ भी देख सकते हैं, चाहे आप हॉरर मूवीज भी, जो गलत मूवीज होते हैं वो भी जो आप देखते हैं, उसके वजह से भी शैतान आपके जीवन में काम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि आप लड़ाई वाला कुछ मूवीज देख रहे हैं, फिर आपका वैसे ही विचार आने लगेगा मुझे भी लड़ना है, आपके अंदर ऐसे सोच आने लगेगा। और इसीलिए मन से ही सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, जिस तरह से वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मूल स्रोत इसको क्यों कहा गया है, जिस तरह से आप हवाई जहाज चलाएंगे तो उसका पायलट ही उसको कंट्रोल करता है, वैसे ही ये जो हमारा मन है ये हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। लेकिन हम अपने आप को देखने से रोक सकते हैं, पर अगर इसी को नहीं रोकेंगे तो फिर हमारे मन में विचार जाएगा और उसके बाद फिर हमारे विचार हमें कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए आपको अपने मन की रक्षा करना है। और उसके बाद हम जानेंगे इसमें मती 12:10 का, जिस तरह से इसमें लिखा है अभी हमने पढ़ा, तो क्या लिखा है कि जो हमारे मन में आता है वही हमारे मुंह पर भी आता है। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि कैसे हमारा चाल चलन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वो विचार, आप चाहे किसी के प्रति कुछ भी सोच रहे होंगे, आपने सोचा कि ये बहुत बुरा इंसान है, आपने वो सोच ही लिया सिर्फ, लेकिन अब वो कैसे आपके मुंह से बाहर कब निकल जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि साफ वचन में जब लिख दिया गया है तो परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता है, उसमें से एक बिंदु हटा भी नहीं सकते ना बढ़ा सकते हैं। तो जब लिख दिया गया है कि जो हमारे मन में आता है वही मुंह पर आता है, तो ये होगा। और इस वजह से क्या होगा, हमारा चाल चलन बदलेगा, हमारा बोलने का तरीका बदलेगा, देखने का और सोचने का तो तरीका वैसे ही बदल गया है, हमारा हर काम को करने का तरीका बदल जाएगा, और इस वजह से ये पूरा चाल चलन पर प्रभाव डालेगा, हमें पाप की ओर ले जाएगा, पाप में शैतान गिराएगा, क्योंकि शैतान का मेन मकसद, मेन मोटिव यही होता है। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है और निराश भी नहीं होना है कि जो मेरे मन में बुरे विचार आता है अब मैं इसे कैसे
रोकूं, कैसे इससे बुरे विचारों से बचूं, तो इसका उपाय कहीं और नहीं परमेश्वर का वचन में है। क्योंकि हमें किसके अनुसार चल रहा है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। याकूब 4:7 निकाले जिसमें लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन। तो इसमें वचन में यही लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आपको परमेश्वर के अधीन कैसे होना है? जो आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, आराधना करेंगे, ये सारे धर्म के काम करके ही आप परमेश्वर के अधीन रह सकते हैं, उनसे जुड़े रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि प्रार्थना करने से क्या ही हो जाएगा, वचन पढ़ने से क्या होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह भी हमेशा अपने चेलों को बोलते थे, और हमें बाइबल में कई बार देखने को मिलता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना हमेशा निरंतर करना है। वचन क्यों पढ़ना जरूरी है? वचन में साफ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। ये वचन जो अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यही परमेश्वर है। और अगर आप यही नहीं पढ़ेंगे, आप कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं? कैसे वो जो बुरे विचार आपके मन में आएंगे उसको आप दूर हटा पाएंगे? उससे कैसे बच पाएंगे आप? बिना वचन के नहीं हो पाएगा ये। फिर जो आराधना होता है, उपवास होता है, ये सब चीज बहुत जरूरी है। आप देखेंगे परमेश्वर के दासों ने भी उपवास किया, यीशु मसीह ने उपवास किया, तो ये उपवास करना भी बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये सारे काम हम नहीं करेंगे, परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हैं। क्योंकि साफ लिखा है, जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, परमेश्वर के अधीन होने के बाद ही हम जब शैतान का सामना करेंगे तो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हमें परमेश्वर ने शैतान का सामना करने के लिए बोला है। अब जैसे आपको उदाहरण से बताती हूँ, आप किसी युद्ध के मैदान में गए हैं, शैतान वहां पर खड़ा है और आप यहाँ पर है। आपके पास युद्ध के लिए सिर्फ 2 हथियार है, लेकिन 1 हथियार भी अगर उसमें से कम पड़ गया, आप कैसे शैतान का सामना कर पाएंगे? आप हार जाएंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आत्मिक युद्ध में प्रतिदिन रहना है। आत्मिक युद्ध, जिसे इंग्लिश में स्पिरिचुअल वॉरफेयर कहते हैं। अगर आप अपने मन में ये बैठा लेंगे कि मैं आत्मिक युद्ध में हूँ, क्योंकि हमारा लड़ाई कभी भी शारीरिक है ही नहीं, हमें असली तलवार से नहीं लड़ना है, वो जो जिससे शरीर को मार सकते हैं, पर उस तलवार से जो 2-धारी तलवार है, इससे हमें शैतान का सामना करना है। क्योंकि हमारा युद्ध शारीरिक नहीं पर आत्मिक युद्ध है। इफिसियों 6:11 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सारे हथियार आपको बांध लेना है। ऐसा भी नहीं बोला गया कि 2-3 ले लोगे तो काम चल जाएगा। सारे हथियारों को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने आप खड़े रह सको। अगर आपके पास किसी भी हथियार की कमी होगी, आप शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, आप हार जाएंगे। शैतान आपके मन में बीज बो दे देगा, वो जंगली बीज बोएगा, और वो जब बीज फलवंत होगा, उसके बाद क्या होगा? आप बुरे रास्ते पर चले जाएंगे, आप पाप में गिर जाएंगे। शैतान आपको गिराना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहते हैं। इसलिए निरंतर प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि ये सब आप नहीं करेंगे तो आप पाप से नहीं बच पाएंगे। और अब आप परेशान होंगे कि आपको करना क्या है। प्रार्थना तो आप फिर भी करते ही हैं, तो भी आपके मन में बुरे विचार आता है, वचन भी पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बावजूद बुरे विचार आता है। तो अब आपको क्या बोलना है प्रार्थना में? कि मैं शैतान ने जो मेरे मन में बुरे विचार डाल दिया, उस जंगली बीज को जो शैतान ने मेरे मन में जंगली बीज डाला है, उसे मैं जला देता हूँ, उखाड़ कर फेंक देता हूँ और नष्ट कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके बाद आपको अपने आँख पर, अपने मन पर, स्पेशली अपने आँख और मन पर तो हमेशा प्रभु यीशु का लहू लगाते हैं बोलना है। अपने शरीर के हर अंगों पर प्रभु यीशु का लहू लगा देता हूँ ताकि शैतान का कोई भी दाव मुझ पर चलने ना पाए। उसके बाद आपको अपने मुंह से प्रार्थना में अंगीकार करना है। ये प्रार्थना के लिए है स्पेशली, ये बोलना जरूरी है। जिस तरह से भजन संहिता 51:10 में लिखा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, आपको बोलना है। जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो पूरा करेंगे। क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये पूछे भी है, और कुछ लोग बोलते भी है कि हम अगर ऐसा परिस्थिति हुआ कि कहीं हम बाहर है या ऐसी परिस्थिति में है कि हम मुंह से नहीं बोल सकते, तो मन में प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मन में ऐसी परिस्थिति होती है कि हम मन में ठीक है कर रहे हैं, मन में जो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शैतान तो हमारे मुंह को देखेगा ना। क्या शैतान हमारे विचार को जान सकता है कि हम क्या बोल रहे हैं मन में? नहीं। हमें शैतान को मुंह से बोल करके हराना है। आपके मुंह में पावर है, मुंह से आप अंगीकार करेंगे ये सारी चीजें जो अभी मैं आपको प्रार्थना में बता रही हूँ, तो ही शैतान हारेगा। इसलिए आपको अंगीकार करना है
और इसी के साथ आपको वचन भी बोलना है, साथ में वचन भी बोलना है, क्योंकि आपको पता होगा यीशु मसीह की परीक्षा जब शैतान ने ली तो यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? क्या यीशु मसीह ने अपना कुछ हथियार इस्तेमाल किया? नहीं, उन्होंने वचन को ही इस्तेमाल किया शैतान के विरुद्ध, तब वो परीक्षा में सफल हुए। अगर आप शैतान की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं कि और चाहते कि आपके मन में बुरे विचार नहीं आए, तो वचन को याद रखना होगा। आप वचन प्रतिदिन पढ़े, उस पर ध्यान लगाए, तब जाकर के आप वचन प्रार्थना में भी बोले, शैतान हारेगा। और मैं अब आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अब आपको अगर ये लग रहा है कि प्रार्थना में भी अगर आप ये सारी चीजें बोलते हैं या फिर अगर आप बोलेंगे भी तो भी आपके मन में बुरे विचार आता है, आप उसे नहीं रोक पा रहे, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपको स्पेसिफिकली सिर्फ प्रार्थना करने के दौरान, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के करते, उसी वक्त नहीं बोलना है। जब जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके मन में कुछ भी ऐसा विचार आ गया जो गलत है, तो आप उसी वक्त बोले कि प्रभु यीशु के नाम से इस जो शैतान ने बुरे विचार डाले उसे कैंसिल कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। वचन को बोले, वचन भी कौन सा बोलना है आपको, जो आपको याद हो, जैसे 2-3 वचन आप बोल सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको एक वचन दे देती हूँ जो आप बोल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता, लिखा है बाइबल में, यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये आप अपने मुंह से उस वक्त अंगीकार करेंगे। आपके मन में एक बार बुरे विचार आया, ठीक है, उसके बाद 2-3 मिनट बाद फिर आएगा, आप फिर ऐसा करें। ऐसा नहीं है कि एक बार ही करना है, क्योंकि आपको शैतान को हराना है, ये साबित करना है कि शैतान हारा हुआ है, वो आपके कर्मों के द्वारा होगा। और अगर आप मसीह में नए हैं, आपको वचन भी नहीं पता, वचन कैसे बोले जब पता ही नहीं है, तो वैसे तो मैंने आप लोगों को ये वचन एक बता दिया, लेकिन आप अगर वचन को सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, तो नए लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुराने नियम से भजन संहिता आप पढ़ना शुरू करें, भजन संहिता पूरा, उसके बाद नए नियम से मती आप पूरा पढ़े, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। और जो लोग जानते हैं ज्यादा से ज्यादा वचनों को, तो वो कम से कम दिन में 2 अध्याय पढ़े, ऐसे कर करके डेली हमको बढ़ना है, हर दिन हमें प्रभु में बढ़ते जाना है। शैतान तो रोकेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन, ये जो हथियार है, इसका इस्तेमाल उसके विरुद्ध करेंगे, तो शैतान हारेगा, बुरे विचार आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए कौन सा वचन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वचन बोलकर उसे हराएंगे। तो इसलिए वचन को कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग जो आज भी पाप में हैं, वो पाप से बाहर आए, बचे और एक नया जीवन पाए, क्योंकि वो जीवन जो अनंत जीवन है, परमेश्वर देना चाहते हैं आप लोगों को। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।